हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आप सभी के सामने क्लास 12 के चैप्टर नंबर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स लाए हैं। उस टॉपिक का नाम है क्या बाबू लोग? प्रसव अर्थात पार्चुरेशन और दूध स्त्रावण लैक्टेशन। लोग पार्चुरेशन मने होता है क्या? प्रसव मने डिलीवरी, जो बच्चा जन्म लेता है उसको पढ़ने उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। और बच्चा जन्म लेने के बाद माँ के स्तन से छाती से जो दूध का निर्माण होता है, जो बच्चों का दूध पिलाने काम करता है, उस प्रोसेस को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है बाबू, ये प्रसव क्या है, जो एनसीईआरटी क्वेश्चन भी पूछा जाता है, एनसीईआरटी क्वेश्चन में पूछा गया है बाबू लोग, और आपके बोर्ड एग्जाम में भी कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और यदि इस टॉपिक यदि आपको समझ में आ जाता है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। तो चलते हैं बिना लेट किए आगे की ओर। लिखा गया क्या बाबू लोग? प्रसव है क्या? पार्चुरेशन अर्थात इसी को डिलीवरी कहा जाता है। नहीं कहते डिलीवरी हो रहा है, तो डिलीवरी है क्या? तो लिखा गया देखिए बाबू, गर्भावस्था। गर्भावस्था क्या? पहले गेस्टेशन। गेस्टेशन माने जब बच्चा पेट में होती है उसी को कहा जाता है क्या? गर्भावस्था। तो बाबू लोग गेस्टेशन के बाद माता माने मदर के गर्भाशय से, माता के गर्भाशय से पूर्ण विकसित, क्या बाबू? पूर्ण विकसित माने पूर्ण रूप से, पूरा अदम ढंग से जितना विकसित होना चाहिए बच्चा, वो पूर्ण रूप से क्या हो चुका है? विकसित शिशु। विकसित शिशु कहने का मतलब बेबी को बाहर आने की प्रोसेस को पार्चुरेशन कहते हैं। हाँ बोल सकते हैं सर जी, मदर के अंदर जो बच्चा का विकास हो रहा है वो यदि ढंग से विकसित हो चुका है तो उसको बाहर आने के प्रोसेस को क्या करते हैं? प्रसव कहते हैं। तो लिखा क्या गया है कि गर्भावस्था माने गेस्टेशन के बाद माने बच्चा गर्भाशय में स्थापित हो गया, उसी को क्या कहते हैं? गर्भावस्था। देखिए गर्भावस्था कहने का मतलब गेस्टेशन। तो यदि बच्चा गर्भाशय में है, मदर के गर्भाशय के अंदर बच्चा है, उसी को कहा जाता है गर्भावस्था। तो बहु लोग गर्भावस्था के बाद मदर के गर्भाशय से माता के गर्भाशय से पूर्ण विकसित, कुछ बाबू पूर्ण विकसित माने सही ढंग से विकसित शिशु को, बेबी को बाहर आने की प्रक्रिया को, प्रोसेस को क्या कहते हैं? पार्चुरेशन कहते हैं। आगे समझते हैं बाबू लोग, गर्भावस्था गेस्टेशन। देखिए माने इस महीना में बाबू लोग मानिए क्या, 1 तारीख के एमसी आता है, क्या आता है? एमसी आता है माने मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है। तो बताइए आज इस मंथ में, आज कौन मंथ है? जून। क्या माने जो मंथ चले, माने जनवरी चल रहा है, ठीक है जनवरी। तो सर जी जनवरी के महीना में 1 तारीख को आया था मासिक चक्र, तो बताइए कि 28 तारीख तक, क्या बाबू 28 तारीख तक क्या होगा? ये प्रोसेस चलेगा, और ये प्रोसेस चलेगा। देखो लिखा क्या क्या, लास्ट मेंस्ट्रुएशन, लास्ट मेंस्ट्रुएशन माने रजोधर्म जो मासिक चक्र आता है वो लास्ट मासिक चक्र के फर्स्ट डे। देखिए आज मासिक चक्र आया, हम जानते हैं कि मासिक चक्र आया और अंडाणु निषेचित हो गया, तो भाव लोग ये लास्ट कब कहलाएगा? 28 तारीख को। तो भाव लोग फिर से जो चालू होने लगा, ये जो फिर से चालू होना चाहिए था, फिर से तो चालू होना चाहिए तो 29वां दिन। तो भाव लोग 29वां दिन से लेकर कितना, 29वां दिन से लेकर उसके फर्स्ट दिन माने मासिक चक्र के लास्ट के फर्स्ट डे। तो मासिक चक्र के लास्ट डे किस दिन? 28वें दिन है। कौन सा दिन है? 28वें दिन। और 29वें दिन पुनः मासिक चक्र आना चाहिए था, तो भाव लोग 29वें दिन को क्या फर्स्ट डे हो गया। तो इस डे से माने भाव लोग आप जानते हैं किसी लड़कियों में 30 दिन का मासिक चक्र का महीना लगता है, किसी में 300 दिन का लगता है, किसी में 2800 दिन का लगता है, किसी में 30 से लेकर 3500 दिन के बीच लगता है। तो आप समझिए कि मासिक चक्र जिसको जिस दिन होता है लास्ट डे, उस लास्ट के फिर शुरुआत होता है उस दिन, तो उसी दिन से वो चालू हो जाता है बाबू, उसी दिन से वो डेट जुड़ाए लगता है, माने आज मासिक चक्र है, ठीक है। तो अंडाणु तो उत्पन्न हमारे 14वें दिन हुआ होगा स्त्री का, 14वें दिन 15वें दिन निषेचित हुआ, जाके स्थापित कब होता है? 25 या 26वां दिन होता है। तो माने कहने का मतलब क्या बोलो कि आज आया मासिक चक्र, ठीक है, अंडाणु निषेचित हुआ 24वें दिन,
और स्थापित गर्भाशय में कब हुआ? फिलहाल 26, 27, 28वें दिन हुआ। तो बताइए फिर मासिक चक्र कहना होता है 29 तारीख का आता कि नहीं, तो उसी दिन से बाबू लोग महीना जुड़ाए लगती है 9 महीना। तो लिखा है क्या लास्ट मेंस्ट्रुएशन, क्या लास्ट मेंस्ट्रुएशन, लास्ट मेंस्ट्रुएशन रज्जु धर्म के फास्ट डे, माने मासिक चक्र खत्म हो चुका है उसका अगला दिन फास्ट डे होना चाहिए था, उस दिन से 40 वीक अर्थात 280 दिन, माने मासिक चक्र दूसरा का, माने इस महीना में बच्चा लोड हो गया, बच्चा अंडाणु निषेचित हो गया, ठीक है इस महीना। तो अगला महीना में जिस दिन मासिक चक्र आता ना उसी दिन से डेट चालू होगा आपका जुड़ना, उस दिन से आपका महीना लगना कितना दिन, 280 दिन, 280 दिन माने 9 मंथ, कितना ना मंथ, 9 मंथ, 9 मंथ के बाद तक पूरा हो जाती है, 280 दिन अर्थात 9 मंथ, ऐसे 270 दिन होते हैं लेकिन 280 दिन के बाद ही होता है पूरा बालू। तो 40 वीक अर्थात सच्चा 28 अर्थात 280 दिन के बाद पूरा हो जाता है। बात समझ में आया कि सर जी इस मंथ में मासिक, इस मंथ में हमारा अंडाणु निषेचित हो गया, ठीक है इस मासिक चक्र में अंडाणु निषेचित, आज मासिक चक्र है 14वें दिन अंडाणु निषेचित हुआ, तो अगला जिस दिन मासिक चक्र आता ना माने आज 1 तारीख आया तो आपको अगला 29 तारीख आता, तो 29 तारीख से आपका डेट जुड़, 29 तारीख से जो 280 दिन जोड़ लीजिए उस दिन बच्चा आपको जन्म लेगा। तो आप समझ में आ गया, बच्चा 280 दिन अर्थात 9 मंथ गर्भाशय के अंदर रहता है। तो आपको समझ में आ जाएगा कि गर्भावस्था के मावरे लास्ट मेंस्ट्रुएशन रज्जो धर्म के फास्ट डे, माने मासिक चक्री महीना में खत्म हो गया, अगला फास्ट डे जो चालू होता मासिक चक्र जिस दिन चालू होता है उस दिन से 40 वीक करता तो 280 दिन के बाद तक पूरा हो जाता। अब समझिए गर्भावस्था जेस्टेशन पूरा होने के बाद, माने जब बहु लोग 280 दिन पूरा हो जाते हैं तो होने के बाद माता के ब्रेन में मस्तिष्क में कौन सा ग्रंथि पाई जाती है, पीयूष ग्रंथि अर्थात पिट्यूटरी ग्रंथि, इस ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं और सबसे छोटा ग्रंथि भी पिट्यूटरी ग्रंथि को ही कहा जाता है। पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ पे पाई जाती है, तो ब्रेन में पाई जाती है। सर जी यह सबसे छोटा ग्रंथि है और इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। तो बोल लो पीयूष ग्रंथि अर्थात पिट्यूटरी ग्रंथि अर्थात मास्टर ग्लैंड से ऑक्सीटोसिन, कौन सा हार्मोन, ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन स्रावित होता है, कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, ऑक्सीटोसिन, जो क्या करता है बाबू प्रसव के टाइम, माने जिस टाइम बच्चा जन्म लेगा उस टाइम प्रसव के टाइम संकुचन को गतियों को क्या क्या करता है, प्रेरित करता है, क्या करता है प्रसव के समय संकुचन की गतियों को क्या करता है बाबू, गर्भाशय के संकुचन, किसका होगा बाबू, गर्भाशय के संकुचन, किसका संकुचन होगा, गर्भाशय के संकुचन होगा। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे लिख लीजिएगा गर्भाशय यूटेरस के संकुचन के गतियों को क्या करता है, प्रेरित करता है बाबू, माने जो जिस पेट में गर्भाशय में जो बच्चा है उस गर्भाशय की क्या करेगा, संकुचन करेगा, फैलाएगा सुकड़ाएगा। तो बाबू संकुचन माने कॉन्स्ट्रेक्शन गतियों को प्रेरित करता, फैलाएगा सुकड़ाएगा तब ना बच्चा होगा, प्रेरित करता। अब आगे देखिए कॉपर सोल्यूटियम, तो कॉपर सोल्यूटियम कहां पाई जाती है, अंडाशय के अंदर पाई जाती है, तो कॉपर सोल्यूटियम से रिलैक्सिन हार्मोन, कौन सा हार्मोन, रिलैक्सिन हार्मोन प्रसव के टाइम स्रावित होकर, देखिए आप जानते हैं कि वेजाइना सर जी, वेजाइना के अंदर क्या होते हैं, ग्रीवा, ग्रीवा के बाद क्या होते हैं, गर्भाशय आते हैं, तो वेजाइना माने जिसमें योनि कहते हैं वेजाइना को, जिसमें सेक्स किया जाता है, और वेजाइना के आगे वाले रास्तों को ग्रीवा कहते हैं, और ग्रीवा के बाद क्या आती है, गर्भाशय, और गर्भाशय में क्या रहता है, बच्चा। तो बोल लो ग्रीवा से जो कसा हुआ रहता है उसको चौड़ा करता है, उसको क्या करता है, ढीला करता है, और ढीला करने के बाद वो क्या पतला सा रास्ता क्या हो जाती है, चौड़ा हो जाती है। तो ध्यान दीजिएगा कि कॉपर सोल्यूटियम से रिलैक्सिन हार्मोन प्रसव के टाइम पार्चुरेशन के समय स्रावित हो गया, जब बाहुलोक बच्चा जन्म लेता है उसमें अति कॉपर सोल्यूटियम से रिलैक्सिन हार्मोन स्राव होता है, जो क्या करता है पार्चुरेशन के समय स्रावित होकर ग्रीवा को ढीला कर रास्ता को चौड़ा कर देता है, ग्रीवा को ढीला कर रास्ता को चौड़ा कर देता है, जिससे प्रसव पार्चुरेशन के समय बच्चा को जन्म लेने में क्या होती है बाबू आसानी होती है, क्या होती है आसानी होती है। देखिए बात को फिर से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है।
देखिए सर, गर्भावस्था के बाद, गर्भावस्था के बाद मदर के गर्भाशय से, गर्भावस्था के बाद माँ के गर्भाशय से पूर्ण ढंग से एकदम विकसित शिशु को बाहर आने की प्रक्रिया को प्रसव कहते हैं। मान लो प्रसव टोटल बच्चों में गेस्टेशन गर्भावस्था कितना दिन का होती है? 280 दिन का होता है। कितना दिन का होता है? 280 दिन, अर्थात 40 वीक का होता है। ये किस दिन से जुड़ाना चालू होता है? तो ये बाबू लोग, इस मंथ में मासिक चक्र आया और इस मंथ में बच्चा रह गया, बच्चा बने निश्चित अंडाणु हो गया, अगला दिन से मासिक चक्र जिस दिन से चालू होना था उसी दिन से क्या होती है, ये जुड़ाना चालू होता है। माने लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, हम जानते हैं कि बच्चा जब निश्चित अंडाणु हो जाती है, जब बच्चा गर्भाशय में रह जाता है तो बाबू लोग मासिक चक्र आना बंद हो जाता है। तो बताइए जिस दिन मासिक चक्र आना था अगला मंथ में उस दिन तो नहीं आया, तो बाबू लोग उसी दिन से, उसी दिन से 280 दिन तक जुड़िए और बच्चा को जन्म दीजिए। बात समझ आया कि इस महीना में सर जी मासिक चक्र आया और अंडाणु निश्चित हो गया, इस महीना में बच्चा रह गया, तो बाबू लोग जिस दिन अगला महीना में मासिक चक्र आना था उसी दिन से चालू होता है जुड़ाना डेट, उसी दिन से डेट जुड़ाना चालू होता है। तो अगला मंथ से जिस दिन मासिक चक्र आना था उसी दिन से डेट जुड़ाएगा, कितना दिन तक? 280 दिन तक। तो बाबू लोग समझ में आ गया होगा कि लास्ट मेंस्ट्रुएशन अर्थात रजो धर्म के फर्स्ट डे से, माने लास्ट, आज लास्ट था ये महीना, लास्ट है ओकर अगला दिन फर्स्ट डे, ओकर आगे दिन जिस दिन से मासिक चक्र चालू होना था उस दिन से 40 वीक तक बाद क्या हो जाते, पूरा हो जाते हैं। आगे गर्भावस्था के पूरा हो जाने के बाद, जब बच्चा विकसित हो जाते हैं तो पूरा होने के बाद माता में के अंदर माता के ब्रेन में पिट्यूटरी ग्रंथि, कौन सा ग्रंथि? पिट्यूटरी ग्रंथि से ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या होता है, स्रावित होता है। कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? ऑक्सीटोसिन, जो क्या करता है प्रसव के समय गर्भाशय में, क्या प्रसव के समय गर्भाशय में, किसमें बाबू लोग? गर्भाशय के संकुचन, गर्भाशय के संकुचन को गति को क्या करता है? प्रेरित करता है। प्रसव के समय संकुचन को गतियों को क्या करता है? प्रेरित करता है। तो गर्भाशय के कर बाबू, गर्भाशय के। अब आगे समझिएगा, कॉपर सोल्यूटियम से रिलैक्सिन हार्मोन प्रसव के समय स्रावित होकर, जब बच्चा, देखिए बाबू पहले जो संकुचन होता है तो बताइए दर्द होगा, क्या होगा? दर्द होगा कि नहीं? जो दर्द दे रहा है वो कौन सा हार्मोन के कारण? ऑक्सीटोसिन हार्मोन के कारण जो दर्द दे रहा है। देखिए बाबू लोग, बच्चा होने के लिए रहता है, बच्चा होने से पहले 2 घंटा पहले दर्द देना चालू हो जाता है, तो सर जी बच्चा से उत्पन्न होती है और अपरा से जिससे जुड़ा रहता है अपरा से उससे दर्द देना चालू होता है। तो आप समझिएगा कि सर जी जो दर्द देना चालू हुआ बच्चा देने से पहले जो दर्द हुआ वो कौन सा हार्मोन से? तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन से। कौन सा हार्मोन से? ऑक्सीटोसिन हार्मोन से। लेकिन उस हार्मोन को कम करने के लिए, अब बच्चा को आसानी से जन्म देने के लिए अंडाशय से, अंडाशय के अंदर कॉपर सोल्यूटियम ग्रंथि पाई जाती है, इससे कौन सा हार्मोन स्रावित होती है? रिलैक्सिन हार्मोन। और ये रिलैक्सिन हार्मोन प्रसव के समय स्रावित होकर ग्रीवा को क्या कर देता है? जिस रास्ता से बच्चा जन्म लेता है उस रास्ता कसा हुआ रहता है, उस ग्रीवा को क्या कर देता है? ढीला कर रास्ता को क्या कर देता है बाबू लोग? चौड़ा कर देता। क्या कर देता है? चौड़ा कर देता है, जिससे प्रसव के समय शिशु बच्चा के जन्म लेने में क्या होती है? आसानी होती है। क्या होती है? आसानी होती है। तो ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा ऊपर वाला। अब देखते हैं दूध स्रावण है क्या, लैक्टेशन है क्या। तो माँ आदम डायरेक्ट बाबू लोग लैक्टेशन दूध स्रावण क्या कहते हैं? बच्चों का दूध पिलाना पोषण कराना ही लैक्टेशन कहलाता है। तो आप देखिएगा प्रेगनेंसी अवस्था के में, प्रेगनेंसी अवस्था में जब बच्चा पेट में रहते उस समय, सगर्भता के समय, प्रेगनेंसी की अवस्था में प्रोजेस्टेरोन, कौन सा हार्मोन? प्रोजेस्टेरोन एवं एस्ट्रोजन। देखिए बाबू लोग, अंडाशय में कॉपर सोल्यूटियम से 3 प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं। अंडाशय से कितने प्रकार के? 3। एक होता है प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन और एक रिलैक्सिन हार्मोन। देखिए एस्ट्रोजन हार्मोन कब स्रावित होता है? जब अंडाणु उत्पन्न होता था तब। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कब उत्पन्न होता था? जब बाबू लोग अंडाणु निषेचित हो जाता था बच्चा को सुरक्षित रखने के लिए। जब बच्चा जन्म ले रहा है तो क्या? रिलैक्सिन। बच्चा जन्म लेने वक्त कॉपर सोल्यूटियम से रिलैक्सिन, बच्चा को सुरक्षित रखने के लिए प्रोजेस्टेरोन और अंडाणु उत्पन्न करने के लिए एस्ट्रोजन। अंडाणु उत्पन्न करने के लिए एस्ट्रोजन, बच्चा को सुरक्षित रखने के लिए प्रोजेस्टेरोन और क्या?
और कॉपर और क्या रिलैक्सेशन हार्मोन बच्चा को जन्म देने वक्त। तो कॉपर सोल्यूटियम से बच्चा को जन्म देने के लिए रिलैक्सेशन हार्मोन उत्पन्न होती है बच्चा देने वक्त, बच्चा को जन्म देने वक्त। लेकिन बच्चा को गर्भाशय में सुरक्षित रखने के लिए कौन सा हार्मोन? प्रोजेस्टेरोन, और अंडाणु उत्पन्न करने के लिए एस्ट्रोजन। तीनों के काम याद हुआ, तीनों का काम याद हुआ बाबू, कि जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है सब वो बच्चा को सुरक्षित रखता है अर्थात प्रेगनेंसी को बनाए रखता है। एस्ट्रोजन के, एस्ट्रोजन हार्मोन के माध्यम से अंडाणु उत्पन्न होने की प्रोसेस होता है, मतलब एस्ट्रोजन हार्मोन की बदौलत स्तन में वृद्धि होती है और क्या बाबूलोग जो अंडाणु उत्पन्न होता है इसके वजह से होता है, मतलब एमसी जो आता है मासिक चक्र जो आता है एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से आता है, मासिक चक्र नहीं आता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की वजह, मासिक चक्र नहीं आता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की वजह से, मासिक चक्र आता है एस्ट्रोजन हार्मोन के कारण, और बच्चा जन्म लेता है रिलैक्सेशन हार्मोन से, क्योंकि रिलैक्स होती है रास्ता को यदि ढीला नहीं करता, ग्रीवा को ढीला नहीं करता तो रास्ता चौड़ा हो पाता नहीं होता, तो नहीं होता तो बच्चा जन्म ले पाता नहीं ले पाता। तो बाबू लोग कॉपर सोल्यूटियम से रिलैक्सेशन हार्मोन प्रसव के समय स्रावित होकर ग्रीवा को क्या कर देता है? ढीला कर देता है, जिसे ढीला कर चौड़ा कर देता है, जिसे बच्चा आसानी जन्म ले लेता है। यदि चौड़ा नहीं करता तो ऑपरेशन करने की जरूरत पड़ता कि नहीं? हाँ। अब आगे चलिए, दूध अस्त्रावन लैक्टेशन लिखा क्या? सगर्भता प्रेगनेंसी की अवस्था में प्रोजेस्टेरोन, जब बच्चा जहां जब प्रेगनेंसी होती है बच्चा पेट में होती है गर्भाशय में होती है तो उस समय पर प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन के प्रभाव से अस्तन ग्रंथियां धीरे धीरे क्या कर जाती है? वृद्धि कर जाती है। देखो बाबू, शुरू शुरू बच्चा होने से पहले, कहने का मतलब क्या, निषेचन होने से पहले, पेट में बच्चा रहने से पहले लड़कियों का स्तन थोड़ा छोटा होता है, क्या होता है? स्मॉल होती है, माने आकार में थोड़ा छोटा होता है। तो बाबू लोग जैसा ही बच्चा पेट में रहता है वैसा ही धीरे धीरे प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन से क्या, एस्ट्रोजन हार्मोन के प्रभाव से क्या अस्तन ग्रंथियां, जो अस्तन में जो ग्रंथि होता है बाबू, अस्तन के अंदर जो ग्रंथि होती है मैमरी ग्लैंड्स, वो क्या कर जाते हैं? वृद्धि से उसका, देखिए कह रहा क्या कि सगर्भता प्रेगनेंसी की अवस्था में प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन के प्रभाव से अस्तन ग्रंथियां की वृद्धि से क्या हो जाती है? अस्तन बड़े आकार के हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? देखिए बाबू, आप एकदम एक लॉजिक याद करिए, ये इसको पूरा अस्तन कहते हैं, ब्रिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? मान लड़की है, ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे? ब्रिस्ट कहेंगे। क्या कहेंगे? ब्रिस्ट। और इसके अंदर ग्रंथियां पाई जाती है दूध वाला, जिससे नाम क्या है? अस्तन ग्रंथि। क्या कहते हैं? अस्तन ग्रंथि। देखिये पूरे को अस्तन कहते हैं, एक अंदर क्या होते हैं? अस्तन ग्रंथियां होती हैं, वही अस्तन ग्रंथियां इंक्रीज करने लगती है। देखिए लड़का में भी यदि प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित होता है तो ये हम लोग इंक्रीज कर जाता है, क्या कर जाता है? इंक्रीज कर जाता है। लेकिन हम लोग के अंदर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन नहीं बनता है, तो नहीं बनने के कारण हम लोग का अस्तन, हम लोग के छाती उतना इंक्रीज नहीं कर पाता। बात समझ में आया कि जब बच्चा स्त्रियों में रह जाती है गर्भाशय में, तब उससे बाबू लोग प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन हार्मोन के प्रभाव से उनके अस्तन ग्रंथियां, अस्तन के अंदर जो ग्रंथि होती है, अस्तन के अंदर जो ग्रंथि होती है वो क्या करने लगते हैं? वृद्धि हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? इंक्रीज कर जाते हैं। इंक्रीज जब हो जाता है, बताइए जब अंदर वाला ग्रंथि इंक्रीज होगा तो या इसका आकार बढ़ेगा कि नहीं? तो हाँ, इसका आकार बढ़ेगा। अब आगे समझिए प्रोलैक्टिन क्या कर रहा बाबू लोग, आप जान गए कि बाबरे जब बच्चा जन्म लेती है, देखिए बच्चा जब, देखो लड़की बच्चा जब बच्चा पेट में नहीं, जब लड़की कोई भी औरत के कोई भी स्त्री के गर्भाशय में यदि बच्चा नहीं रहता है तो बच्चा के पहले अस्तन छोटा होता है, लेकिन जब उसके गर्भाशय में बच्चा रह जाता अर्थात वो सगर्भता हो जाती है, गर्भावस्था में हो जाती है, तो गर्भावस्था में प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन के प्रभाव से उसके अस्तन ग्रंथियां इंक्रीज करने लगता है, वृद्धि करने लगता है, जिसके कारण से उसका ब्रिस्ट का आकार क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है। अब आगे समझिए प्रोलैक्टिन हार्मोन के प्रभाव से, प्रोलैक्टिन हार्मोन के प्रभाव से शिशु जन्म के, कहने का मतलब बच्चा जो जन्म लेता है जन्म के 24 आवर के अंदर दूध ग्रंथियों से क्या हो जाते हैं बाबू लोग? स्रावित। तो कहेगा दूध का निर्माण कौन सा हार्मोन? दूध का निर्माण प्रोलैक्टिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? दूध। देखिए कहेगा बच्चा के जन्म लेने के 24 घंटा के अंदर दूध ग्रंथियों से क्या दूध का निर्माण होना, कौन सा हार्मोन से? प्रोलैक्टिन। दूध का निर्माण प्रोलैक्टिन हार्मोन। लेकिन बाबू लोग दूसरा बात, अस्तन ग्रंथियों में इंक्रीज प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन का। देखिए
लड़कियों में आस्तन ग्रंथियों में निकली ज्यादातर प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन के कारण, कौन सा हार्मोन कारण, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के कारण, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के कारण लड़कियों के अंदर आस्तन ग्रंथि का इंक्रीज करते हैं। लेकिन मऊ लोग इस आस्तन ग्रंथि से दूध उत्पन्न होता है, कौन सा हार्मोन से, प्रोलैक्टिन हार्मोन से। कहेगा कि बाहुल्यों स्त्रियों में आस्तन ग्रंथि से दूध का निर्माण कौन सा हार्मोन से होती है, प्रोलैक्टिन हार्मोन से। तो कब होती है, जब बच्चा जन्म ले लेता है तो जन्म के 24 घंटा के अंदर, जन्म लेता है उसी जन्म के 24 घंटा के अंदर दूध लग्गी ग्रंथियों से, मेमोरी ग्लैंड से दूध का क्या होता है, स्त्रावण होता है, अर्थात लैक्टेशन हो जाता है। अब आगे समझिएगा, शुरुआती अवस्था में जैसे गाय भैंस जानवर जो होता है ना, उन जानवर में देखना फेनूस, जो पीला रंग की शुरुआती जो जमा होता है उसका स्तन में जो दूध जमा होता है पहले से, वो वाला निकालते हैं। जो निकलता है बाबलू वो कैसा कलर का होता है, पीला कलर के। मैंने कोई जानवर बच्चों को जन्म दिया, अपने बच्चों को जन्म दिया, उससे जो दूध हम लोग गाड़ते हैं, तो सर जी दूध जो निकालते हैं वो दूध कैसा होता है, थोड़ा गाढ़ा होता है, पीला रंग का होता है। कहा है सर जी, वही देखिए बात को यहाँ। सर प्रारंभ में ब्रेस्ट की चुचकू, चुचकू माने होता है निपल्स, निपल्स माने जो गोल गोल ब्लैक टाइप का होता है ना, उसी को कहा जाता है निपल्स, अर्थात चुचुक। करा के प्रारंभ में ब्रेस्ट की चुचकू माने निपल्स के से, निपल्स से माने दूध तो निपल्स से निकलेगा जो ब्लैक कलर का होता है थोड़ा सो, हाँ तो वह लोग डार्क कलर का होता है ना। तो आप कह रहा क्या, प्रारंभ में ब्रेस्ट, ब्रेस्ट माने आस्तन की चुचको माने निपल्स से कोलोस्ट्रम, क्या बोलो, कोलोस्ट्रम का स्त्राव होता है, किसका स्त्राव होता है, कोलोस्ट्रम का स्त्राव होता है, जो कैसा कलर का होता है, पीला कलर का होता है, पीला माने येलो कलर का होता है, पीला रंग का होता है, जिसमें कौन सा प्रोटीन पाई जाती है, ग्लोब्यूलिन प्रोटीन काफी मात्रा में होता है, जिसमें कौन सा प्रोटीन पाई जाती है, ग्लोब्यूलिन प्रोटीन होता है। और इसमें, और इसमें क्या होता है, इसमें माता के एंटीबॉडी होते हैं, क्या होते हैं, एंटीबॉडी होता है। इस कोलोस्ट्रम में क्या होता है, देखिए बाबू क्या कि प्रारंभ में ब्रेस्ट की चुचकों से माने माता के जो निपल्स होता है, ये वाला निपल्स जो होते हैं, उस निपल्स से जो दूध उत्पन्न होता है वो दूध उससे क्या उत्पन्न होता है, बाबू कोलोस्ट्रम, क्या होता है, कोलोस्ट्रम का स्त्राव होता है, जो कैसा कलर का होता है, शुरुआती अवस्था में जो दूध उत्पन्न होता है माँ के अस्तन से शुरुआती बार में, बाबू लोग बच्चा जन्म देने के बाद वो कैसा कलर का होता है, पीला कलर का होता है, उसे क्या कहते हैं, कोलोस्ट्रम कहते हैं। और बाबू लोग क्या कर रहे हैं, क्या कि इस कोलोस्ट्रम में जो शुरुआती अवस्था में जो दूध निकलता है कोई जानवर हो या बाबू लोग मनुष्य के या माता के, माता से जो देखिए माता से जब तुम जन्म लिया होगा तो उस समय माता के अस्तन से निपल से क्या दूध स्त्रावण होगा, वो कैसा कलर के, पीला कलर के, तो पीला कलर के था उसे क्या कहते हैं हम लोग, कोलोस्ट्रम कहते हैं, क्या कहते हैं, कोलोस्ट्रम कहते हैं, जिसमें कौन सा प्रोटीन पाई जाती है, ग्लोब्यूलिन प्रोटीन की मात्रा होती है। और इसी ग्लोब्यूलिन प्रोटीन में, इसी ग्लोब्यूलिन प्रोटीन में माता के क्या रहते हैं, एंटीबॉडी रहते हैं, क्या रहते हैं, एंटीबॉडी रहती है, जो बाबू लोग नवजात शिशु जो न्यू बॉर्न जो नया बच्चा जन्म लिया उसका क्या इंफेक्शन से क्या करेगा, संक्रमण होने से, रोग से ग्रसित होने से, जीवाणुओं से क्या करेगा, ये रक्षा करती है, क्या करती है, रक्षा करती है। आपके पास समझ में आया कि सर जी प्रेगनेंसी अवस्था में, जब प्रेगनेंसी अवस्था में जब बच्चा पेट में रहती है तब उस समय उससे प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन के कारण से प्रभाव से स्तन ग्रंथियां क्या करते हैं, प्रभाव से अस्तन ग्रंथियां की वृद्धि से अस्तन क्या हो जाते हैं, बालू बड़ा हो जाते हैं। तो आप समझ में आया कि सर अस्तन ग्रंथि इंक्रीज क्या कौन सा हार्मोन से, प्रोजेस्टेरोन, जबकि अस्तन ग्रंथि से सर जी दूध का निर्माण हुआ 24 घंटे बच्चा के जन्म के 24 घंटा के अंदर कौन सा हार्मोन से, प्रोलैक्टिन, माने दूध निर्माण हुआ प्रोलैक्टिन, अस्तन में इंक्रीज हुआ प्रोजेस्टेरोन। और आगे समझिए सर जी ब्रेस्ट में निपल्सों से क्या जो शुरुआत बच्चा जन्म देने के बाद जो दूध निकलता है पीला कलर का उसे क्या कहते हैं, कोलोस्ट्रम कहते हैं। सर जी इसमें कौन सा प्रोटीन, ग्लोब्यूलिन प्रोटीन की मात्रा काफी होती है। इसमें मदर के क्या पाए जाते हैं, एंटीबॉडी पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, एंटीबॉडी। और एंटीबॉडी क्या करेगा, मदर के एंटीबॉडी ये ग्लोब्यूलिन प्रोटीन क्या पाएगा, एंटीबॉडी, जो क्या करेगा, बच्चों जब पिएगा, बच्चा पिएगा ना तो नवजात शिशु को इन्फेक्शन से क्या करेगा, रक्षा करेगा, मतलब उसको रोग होने से बचाएगा। तो बाबू लोग हमको पूर्ण विश्वास है क्या कि आपको ये लेक्चर समझ आ चुका है, क्या प्रसव और दूध श्रम,
बच्चा जन्म कैसे लेता है? तो बच्चा जन्म लेने में दो हार्मोन भाग लिया, कितना हार्मोन? दो, एक ऑक्सीटोसिन और एक रिलैक्सिन। ऑक्सीटोसिन नोट करके लिख लेना, ऑक्सीटोसिन दर्द दिया था, उच्च संकुचन प्रेरित किया था गर्भाशय के अंदर, जो संकुचन फैलाव सिकुड़ाव जो किया था, जो दर्द दबाया था, वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन। लेकिन मान लो जो रास्ता को ग्रीवा को चौड़ा किया था, जो आसानी पूर्वक से जो रिलैक्स दिया था बच्चा को जन्म देने में, वो रिलैक्सिन हार्मोन, ठीक है। लेकिन हाँ, बच्चों को दूध पिलाने के लिए कितना हार्मोन की आवश्यकता पड़ा? एक प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, जिसके कारण स्तन ग्रंथियां बढ़ गई थी, और दूसरा प्रोलैक्टिन हार्मोन, कारण प्रोलैक्टिन हार्मोन जिसके कारण दूध उत्पन्न होता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन कारण दूध बनता है बाबू, ठीक है। लेकिन अस्तन ने इंक्रीज किया था क्या कारण? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कारण। कौन सा हार्मोन कारण? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कारण। और जो बच्चा जो माँ के अस्तन से शुरुआती अवस्था में जो दूध निकलता है उसे क्या कहते हैं? कोलोस्ट्रम कहते हैं। और उस कोलोस्ट्रम में ग्लोबिन प्रोटीन ज्यादा पाई जाती है, और उसी के अंदर माँ का एंटीबॉडी पाई जाती है, और वो एंटीबॉडी का काम क्या है? बच्चों को संक्रमण से सुरक्षा करता है। तो बाबू लोग, आपको हमको पूर्ण विश्वास है क्या कि आपको इस लेक्चर एकदम सही ढंग से समझ में आ चुका है, और आप एक भी ऑब्जेक्ट नहीं छोड़िएगा। तो बाबू लोग, इस तरीका के वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए, तो और इसके साथ साथ शेयर भी कर दीजिए। तो चलते हैं, अगले लेक्चर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।